राजस्थान में 12वीं के प्रैक्टिकल 8 जुलाई से 10-10 बेंच में ली जाएगी परीक्षा। 24 घंटे में मार्क्स अपलोड करने होंगे, आरबीएसई ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई को सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा के शेष रह गई प्रैक्टिकल कराने की अनुमति दे दी है। सभी स्टूडेंट को बोर्ड ने निर्देशित किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक पारी में 10-10 स्टूडेंट का बैच बनाकर प्रैक्टिकल कराया जाएगा। बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सहगवा ने बताया कि वर्ष 2021 की शेष प्रैक्टिकल एग्जाम विद्यालयों को आगामी 8 जुलाई गुरुवार तक कराना होगा। इस बाबत बोर्ड ने राज्य के सभी संस्थान प्रधानों को निर्देशित किया है। जिन स्कूल में अब तक प्रैक्टिकल नहीं हुए वहाँ परीक्षा कराकर 24 घंटे में प्राप्तांक बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करें। जिन विद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा करा ली गई है किंतु बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन अंक अपलोड नहीं किए जा सके, ऐसे विद्यालय प्राप्तांक शीघ्र अपलोड करें। जो परीक्षार्थी पूर्व में प्रायोगिक परीक्षा में किस कारण से शामिल नहीं हो सके, ऐसे विद्यार्थी की भी प्रायोगिक परीक्षा उसी विद्यालय में 8 जुलाई तक हो जाएगी। 40% विद्यालय के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं। इस अवधि के पश्चात यदि कोई छात्र अनुपस्थित रहता है तो उस छात्र को अनुपस्थिति मानकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व राज्य के 40% से अधिक विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांक बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुए थे एग्जाम। बोर्ड ने वर्ष 2021 की 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 अप्रैल से शुरू किए थे। 13 अप्रैल तक राज्य के करीब आधे स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा हो चुकी थी। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार राज्य में लॉकडाउन की घोषणा के बाद बोर्ड ने 14 अप्रैल को 12वीं प्रायोगिक परीक्षा स्थगित कर दी थी। आरबीएसई 12वीं के प्रैक्टिकल 8 जुलाई तक 10-10 के बेंच में स्कूल जा सकेंगे। स्टूडेंट टीचर को हाथों हाथ नंबर देने होंगे। 12वीं के मार्क्स की फीडिंग भी शुरू हुई, 10वीं का इंतजार। 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम 8 जुलाई तक होंगे। इस संबंध में आरबीएसई ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए। जिन स्टूडेंट ने लॉकडाउन से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया था उन्हें हर हाल में अब एग्जाम देना होगा। जिनके एग्जाम हो गए उन्हें फिर से नहीं देना। आरबीएसई के सचिव की ओर से जारी इस पत्र के अनुसार 8 जुलाई तक 10-10 स्टूडेंट के बैच को बुलाया जा सकेगा। हर स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार बैच तैयार कर सकेगा। इस बारे में संबंधित स्टूडेंट को बैच की सूचना देनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए ये परीक्षा आयोजित होगी। 10 से अधिक स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाएगा। हाथों हाथ देने होंगे मार्क्स। जैसे स्टूडेंट के एग्ज़ाम होंगे उसके 24 घंटे के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स आरबीएसई की साइट पर अपलोड करने होंगे। आमतौर पर नंबर फीड करने के लिए समय मिलता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद स्टूडेंट को मार्क्स देने पड़ेंगे। 12वीं का लिंक शुरू, 10वीं का नहीं। आरबीएसई की साइट पर 12वीं के स्टूडेंट को मार्क्स देने के लिए लिंक आ गया है। स्कूल को इस लिंक के सहयोग से मार्क्स फीड करने होंगे। प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। दरअसल दोनों की गणना भी अलग है। नॉन प्रैक्टिकल विषयों के मार्क्स तो अभी भरे जा सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल होने के बाद शेष स्टूडेंट के मार्क्स भरे जाएंगे। 10वीं का लिंक अभी नहीं आया। वहीं 10वीं के स्टूडेंट के मार्क्स के लिए लिंक अभी तक नहीं आया है। स्कूल को 8वीं के मार्क्स कहाँ मिलेंगे इस बारे में भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले। दरअसल 8वीं के स्टूडेंट को मार्क्स के बजाय ग्रेड दिया गया था। स्कूल के पास अब तक नंबर नहीं, ये भी नहीं पता कि ये मार्क्स मिलेंगे कैसे। रिजल्ट ऑनलाइन हो तो सुविधा। 8वीं का वर्ष 2019 का एग्ज़ाम आरबीएसई ने ही लिया था। ऐसे में अगर बोर्ड इस वर्ष का रिजल्ट ऑनलाइन कर दे तो सभी स्कूल को लाभ हो सकता है। स्टूडेंट को भी ये पता चल जाएगा कि उसे 8वीं में किस विषय में कितने मार्क्स मिले। 8वीं में ग्रेड देने वाले बोर्ड को अब मार्क्स जारी करने चाहिए।